हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, जैसे आपको मालूम है, आज भोपाल में एक बहुत बड़ा ध्यान आकर्षण था जिसमें सभी भाइयों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारी जो जमीनी स्तर की टीम है, उन्होंने लगातार संघर्ष किया, और श्री रणजीत गौड़ जी जो लगातार पद वृद्धि और सेकेंड काउंसलिंग के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दोस्तों सभी को दिल से धन्यवाद। मैं पूरा वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और पूरी उम्मीद मुझे यह है दोस्तों कि इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सभी ग्रुप में इस वीडियो को भेजेंगे, जिससे कि हमारी जो जमीनी स्तर की टीम है, जो हमारे श्री रणजीत गौर जी संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी के जो प्रयास हैं वो सफलता की ओर बढ़ें, सभी तक ये बात पहुँचे दोस्तों, क्योंकि सेकेंड काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। साथ में पदों में वृद्धि होनी चाहिए जिनके नाम अभी कहीं नहीं है, और जो वेटिंग में है उनकी वेटिंग क्लियर हो जाए दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है, और मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और दोस्तों सभी को इस मुहिम से जोड़ें। धन्यवाद। सर, आप लोग यहाँ पर किन मांगों को लेकर आए हैं? आज हम शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में पद वृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग कराने की मांगों को लेकर यहाँ आए हुए हैं। और आज हमने लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त और जनजातीय आयुक्त एवं वल्लभ भवन में प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपा है, साथ ही साथ शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन पत्र सौंपा है कि हमारी जो शिक्षक भर्ती है उसको सेकंड काउंसलिंग करते हुए शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए, और जो उपेक्षित विषय हैं, जिन विषय के कम पद आए थे प्रथम चरण में, उनके पदों में यथासंभव अधिकतम वृद्धि करते हुए शिक्षक भर्ती पूर्ण हो, ये हमारी प्रमुख मांगें हैं। शिक्षक भर्ती 10 वर्षों के बाद शुरू हुई है, पिछले 4 वर्षों से शिक्षक भर्ती चल रही है, अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। मुख्यमंत्री जी प्रतिदिन शिक्षक भर्ती की घोषणाएं करते हैं, हम उनको याद दिलाने आए हैं कि आपकी जो घोषणा है उनको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। हमारी जो पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की अवधि है वह मुश्किल से 3-4 माह तक और वैलिड है, हम चाहते हैं कि उससे पहले पहले हमें अगले सत्र में 15 जून से पहले पहले हम लोगों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जाए। जी धन्यवाद। जल्द सेकंड काउंसलिंग करा के पद वृद्धि के साथ और सभी के साथ मामा जी न्याय कर। इनके पास सवाल भी है, इनके पास जवाब भी है, लेकिन वो लोग कहाँ हैं शासन के, वो लोग कहाँ मौजूद हैं, इनके पास जवाब नहीं है। आखिर ये जवाब इनको कब मिलेगा, इनको न्याय कब मिलेगा, इनकी भर्ती कब होगी? 9 जून से स्कूल शुरू होने वाले हैं, टीचर यहाँ हैं, जिनको टीचर को स्कूल में होना चाहिए था, जिनको बच्चों सामने होना चाहिए था, आज वो लोक शिक्षण संस्थान के सामने खड़े हुए हैं, जिनको वहाँ पढ़ाना चाहिए था वो ज्ञान देने ही आए हैं, ये जवाब उनको बता रहे हैं। ये इनके सवाल और जवाब दोनों इनके पास मौजूद हैं। स्ट्रांग इंडियन न्यूज से मोहम्मद सलवर, भोपाल। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रिक्त पदों में वृद्धि करो, रिक्त पदों में वृद्धि करो, सेकंड काउंसलिंग शुरू करो, सेकंड काउंसलिंग शुरू करो, सेकंड काउंसलिंग शुरू करो, शिक्षक भर्ती पूरी करो, शिक्षक भर्ती पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, रिक्त पदों में वृद्धि करो, रिक्त पदों में वृद्धि करो, नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।